सो हेलो गेमर्स, वेलकम बैक टू दी अनदर चैनल। और मुझे पता है भाई, रुको, टेंशन मत लो। मुझे पता है कि आप इस वीडियो पे क्यों आए हो। आपको करवाना है अपने डिवाइस का लैग फिक्स। हाँ भाई, मेरे डिवाइस में भी यही प्रॉब्लम है जो आप गेम प्ले स्क्रीन में देख रहे हो। भाई ये मेरा ही गेम प्ले, और मैं जो डिवाइस में खेलता हुआ है भाई रियलमी नार्जो 20, और आपको शुरुआत ही में लैग देखने के लिए मिल गया होंगे मेरे डिवाइस में। तो भाई हद से ज़्यादा लैग तो मिड रेंज एंड लो रेंज डिवाइस में छोटा है, और भाई हाई एंड डिवाइस वाले तो इस वीडियो को क्लिक नहीं किए होंगे। तो मेरे को देखो भाई, फिक्स तो नहीं करके देने वाला मैं लैग, फिक्स नहीं करूँगा। हाँ भाई, कोई फिक्स नहीं कर सकते ये लैग को। भाई लैग ना लैग होता है, लैग अपने में ही नहीं, एक है मतलब एक शैतान है, शैतान। तो देखो वीडियो की तरफ बढ़ता हूँ भाई, फिक्स नहीं करके दूंगा। हाँ लेकिन लैग ना थोड़ा कम करके दे सकते हो भाई, कम मतलब हद से ज़्यादा ही कम हो जाएगा आपका लैग। कुछ मैं ऐसे टिप्स बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, जिसको आप फॉलो करोगे तो आपका लैग जो है ना थोड़ा कम हो जाएगा और गेम आपका अच्छे से चलने लग जाएगा। तो देखो भाई, सबसे पहली चीज़ कॉन्फ़िग तो अभी बिल्कुल ही अप्लाई मत करना। जो BGMI खेल रहे हैं ना भाई, BGMI तो अभी खेलेंगे, इंडिया का सर्वर है, इंडियन से वीडियो देख रहे हैं, तो BGMI जो खेल रहे हैं ना भाई, वो कॉन्फ़िग अगर यूज़ करते तो भाई आपका अकाउंट परमानेंटली बैन हो सकता है। तो गाइस मैं रिकमेंड करता हूँ भाई, कॉन्फ़िग और GFX ना बिल्कुल यूज़ ना करो। ये आपके डिवाइस के लिए भी हार्मफुल होएगा और ये आपके आईडी के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। तो बता दो आपको क्या क्या करना है। तो चलिए स्क्रीन की तरफ। तो ये आ चुका हूँ मैं भाई अपनी स्क्रीन में मोबाइल के। तो यहाँ से चले जाता हूँ मैं अपने सेटिंग में, और यहाँ पे आपको बताऊँगा डेवलपर ऑप्शन कैसे ओपन करना है। तो मैं गया अबाउट फोन पे और देख लीजिए, 4GB रैम, एंड्रॉयड 11 है मेरा। तो आपने डेवलपर ऑप्शन ऑन कर लिया ही होगा, आपको पता है। फिर डेवलपर ऑप्शन में जाना है, और सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा Force MSAA। भाई क्या है मेरे को खुद नहीं पता। तो इसे आपको ओपन कर लेना है, मतलब अलाउ कर देना। फिर जाना है अपने गेम स्पेस में, और यहाँ पे आपको नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा कंपेरेटिव बैलेंस मोड। तो इसको आपको प्रो गेमर मोड में कर लेना है, और ये आपके मतलब जो गेम है ना इसको थोड़ा अच्छा इंक्रीज कर देंगे, मतलब FPS बूस्ट कर देंगे। फिर अगर आपके मोबाइल में कोई फालतू की चीज़ें या फिर कैप्चर या डाटा जो बेकार का पड़ा है, तो आप एक काम करिए, आई क्लीनर ऐप डाउनलोड कीजिए, और ये आपके मतलब जो बेकार सी चीज़ है ना, ये सब चीज़ को आपको मतलब क्लीन करके दे देंगे, आपका मोबाइल थोड़ा अच्छा स्वस्थ रखेगा। तो ये कुछ थी टिप्स भाई, मतलब टिप्स बहुत सी थी। और देखो आपको क्या करना है, जो अपना फ़ोन है ना, फ़ोन की स्टोरेज 50% कम करना भाई। पबजी जो ओनली पबजी खेलते हैं उसके लिए चलिए मोबाइल। तो भाई देखो, अगर लैग आपको कम करना है ना, तो आप एक ही काम कीजिए जो मैं बता रहा हूँ। तो आपको नहीं है क्या, अपने मोबाइल स्टोरेज को कम रखना है, मतलब 50% कम रखना है, और आपको मोबाइल को अपने ओवरहीट ज़्यादा होने नहीं देना है। और जब भी आप गेम खेलोगे तो प्लीज़ भाई अपने मोबाइल का कवर निकाल के खेले। ये वो कवर नहीं है क्या, मतलब भाई कवर को फेंक दे मोबाइल से निकाल के जब आप गेम खेल रहे। कवर नाम की कुछ चीज़ ही नहीं है। तो जब भी वो कवर ना अपने हीट को रिलीज़ नहीं होने देता है, मतलब बाहर नहीं जाने देता, वो हीट को पकड़ा ही रहता है मोबाइल में। इसके कारण ये क्या, जो मेरे स्क्रीन में इतना तगड़ा लैग हो रहा है ना, वैसा लैग होता है। तो गाइस आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। पसंद आए होंगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को अपने लो एंड डिवाइस वाले फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।